सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे देख लड़कियों को देखने वाले बहुत सारे हैं टाइम पास, है ना। तो उनसे हमसे मतलब नहीं, हमको वो लोग चाहिए क्रीम बंदे जो सोशल मीडिया से पैसे कमाने की सोच रहे या फिर कमा रहे हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस धंधा करते हैं ना। हम अलग चीज सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। नमस्कार सभी को, बहुत उत्साहित हूँ। आज मैं आया हुआ हूँ फतेहपुर, और फतेहपुर में सबसे बड़े किंग माने जाने YouTube वाले बाबा, जो फतेहपुर में बहुत ज्यादा चर्चित है, पूरे भारत में चर्चित है, आज उनका मैं इंटरव्यू लूंगा। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। तो YouTube वाले बाबा क्या करते हैं हर कोई जानता है, लेकिन उनका इंटरव्यू आज मेरे चैनल पे आ रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हम सीधा चलते हैं YouTube वाले बाबा जी के पास और पूछते हैं कि YouTube वाले बाबा जी जो है वो क्या करते हैं, उनका क्या मकसद है। बहुत सारे प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम। सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? इतना ज्यादा उत्साहित होकर वीडियोस बनाते हैं, पूरे भारत में इतना ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत अच्छे फॉलोअर्स आपको मिल रहे हैं, इसका रीजन क्या है? ये तो ऑडियंस का प्यार है। देखिए, सच्चाई जो होती है ना जी, उसी की जीत होती है, समझ रहे हैं? हाँ जी। और हम सच का साथ लेकर चलते हैं, समझ। जैसे गुरु होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसको आगे तक बढ़ाता है, है ना, जीरो से लेकर। हम लोग एक नेक्स्ट लेवल में काम कर रहे हैं। हम लोग ये सिखा रहे हैं कि अब पैसे कैसे कमाने हैं, अगर आप कुछ काम नहीं, नौकरी नहीं मिल रही आपको, तो सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि उनके फॉलोवर्स भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको तरीके नहीं पता होते हैं, वो सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं। तो यहाँ से सोशल मीडिया से पैसे कैसे जनरेट करने हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, और भी बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, टेलीग्राम हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया है, वहां से पैसे कैसे जनरेट किया जाता, वो तौर और तरीके हम बताते हैं। ये तो बहुत बड़ा काम है। भारत में बेरोजगारी इतना ज्यादा है, लोग इतना परेशान रहते हैं पैसों को लेकर, अपनी दिक्कतों को लेकर, और इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, तो फिर भी नहीं कमा पाते हैं। आपने तो बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग डिग्रियां होती हैं, और हर जगह देखिए सरकारी जॉब उतनी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है 10 से 12 घंटे आपको काम करने हैं, है ना, तो वहाँ भी सिचुएशन काफी गंभीर है। हमारे फतेहपुर में भी बहुत सारे, मतलब ऐसी कोई नौकरी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ना तो कोई कंपनी है जहाँ पर लोग काम कर सके, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यहाँ 5-5, 6-6 हजार की नौकरी मिलती है, 5-5, 6-6 हजार मिलते हैं, इससे ज्यादा कोई देता ही नहीं जी, और आपसे 8 से 9 घंटे काम कराते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप सोशल मीडिया है, अगर आप 6 महीना साल भर देकर इस लाइन पे काम करें, तो यहाँ से आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप डेली का 500-1000 रुपए, तो 1000 रुपए तो 500 रुपए तो आसानी से कमा सकते हैं। तो गुरु जी मोटा मोटी कमाने को तो आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन मतलब इनिशियल स्टेज क्या है? हाँ, इनिशियल स्टेज में आप कम कमाएंगे, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, जैसे आप सीखेंगे जी, वैसे आप खुद समझते जाएंगे ना, आपके सोर्सेस, आपके अर्निंग सोर्स ओपन हो जाएंगे जी, हम इस यहाँ से भी कमाएं, यहाँ से भी कमाएं, यहाँ से भी कमाएं जी। तो गुरु जी मोटा मोटी कहें तो आप सोशल मीडिया के गुरु भी हैं। हाँ, अब वो तो लोग ही, लोगों का प्यार है, सोशल मीडिया के गुरु है, सिखा रहे हैं लोगों को, आगे बढ़ा रहे हैं, तो गुरु ही मानिए हमको जी। हम आपको तरीके बता रहे हैं आपके जीवन को आगे बढ़ाने का, मतलब जीवन में पैसे कैसे कमाएं, मतलब अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही या फिर और अलग हटके आप पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरों से अलग करना चाहते हैं। सभी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस धंधा करते हैं ना, हम अलग चीज सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। पहली बात तो जीरो इन्वेस्टमेंट, एंड्रॉइड फोन सभी के पास होता है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ से कमा सकते हैं। गुरुजी घर में 3-4 एंड्रॉइड फोन किसी के रहता है? अरे हर किसी के पास है भैया। एक जमाना था जहाँ पर हम कीपैड फोन चलाते थे हाई स्कूल इंटर में, आज जमाना देखिए, आज 4, कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, समझ रहे हैं? तो एक कमाने का ट्रिक देते हैं आप, तरीका देते हैं, और बहुत सारी चीज सोशल मीडिया है, ये आगे बहुत ज्यादा जाने वाली है जी, ठीक है। हाँ। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट लोगों को मिलेगा, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, देखो जनसंख्या कम नहीं हो रही, लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। अभी भी करीब 1%, मुश्किल से 1% लोग ही सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाते हैं ये इसके बारे में जानते हैं, लेकिन निकालते बहुत ही कम है। मतलब मैं 1% भी बहुत, मतलब मैं 0.5% मानूंगा, 0.5% तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने जी, जी, समझ रहे हैं आप? मतलब 1000 में से 2-4 बंदे हैं जो पैसे कमा पाते हैं सोशल मीडिया से, बाकी अभी 997 लोग हैं,
वो मतलब ऐसे ही अभी टाइम पास करते हैं सोशल मीडिया से। सही बात, सही बात। गुरु जी ये सोशल मीडिया जो है वो गूगल से संबंधित है? गूगल से भी है, हाँ गूगल भी है, गूगल पे तो चल ही रहा हमारा इंडिया पे, वही सर्च इंजन है, सर्च इंजन उसी पे तो चल रहा है सब कुछ, है ना। तो मोटा मोटी कहा जाए कि गूगल का ही वर्जन है सब कुछ सोशल मीडिया? ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, गूगल का ही नहीं बोल सकते, ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, ये अदर कंपनी है, और भी सर्च इंजन है, ऐसा थोड़ी ना है। चाइना का अलग है, गूगल हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत सारे बिंगो है, क्या कहते हैं बिंगो करके है समथिंग, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्च इंजन अलग है ना, सबका अलग अलग है। तो सर्च इंजन बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में, जो कवर करके मार्केट रखा वो गूगल है। और गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि अर्निंग का सोर्स देते हैं लोगों को, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, एडवर्टीजमेंट है, है ना, ये सब चीजें। गुरु जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे कौन लोग जुड़े, कौन लोग ना जुड़े? क्योंकि हमसे वही लोग जुड़े जो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, मतलब काम कैसे कर रहे हैं, इन द सेंस वीडियो बना रहे हैं, है ना, उन वीडियो से हम कैसे पैसे कमा सकें। देखिए टाइम पास करना नहीं, हमें इंटरटेनमेंट करना नहीं, फॉलोअर्स हमको गेन हो रहे हैं, लोग हमको फॉलो, लेकिन हम पैसे अगर उनसे ना कमा सकें तो क्या मतलब है। सही बात है सही। भाई अगर मेहनत इतनी कर रहे हैं आप तो पैसे भी तो चार मिलने चाहिए हमको, मिलने चाहिए। वो लोग हमसे कनेक्ट है। बाकी तो यहाँ सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे देख, लड़कियों को देखने वाले बहुत सारे हैं टाइम पास, है ना, तो उनसे हमसे मतलब नहीं। हमको वो लोग चाहिए क्रीम बंदे जो सोशल मीडिया से पैसे कमाने की सोच रहे हैं या फिर कमा रहे हैं। मतलब साफ साफ यही कहना है कि जो सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं या फिर इंटरटेनमेंट करते हैं वो उनकी जरूरत नहीं है यहाँ, जो लोग कमाना चाहते हैं, जो कमाना चाहते बस हमको वो चाहिए, वो बंदों की जरूरत है। सही बात है। अगर यूट्यूबर बनना है, अच्छा यूट्यूबर बनना है, तो आप खुद पे सेल्फ सीख कर आप बन सकते हैं। आप कितना भी कोचिंग कर लीजिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आप कहीं भी किसी भी लाइन पे सक्सेस नहीं हो सकते। जी, जी, जी। ये तो हकीकत है, एक स्टूडेंट के लिए भी सही है, हर एक लाइन में जरूरी है। आप चाहे कितने भी बिजनेस आइडिया सीख लीजिए, जब तक आप उसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपके पास पैसा नहीं होंगे, फेल जरूर होंगे, बिना फेल से नहीं, फेल जरूर होंगे, ये हकीकत है किसी भी लाइन पे हो। तो भैया जब खुद ही सब कुछ करना है तो थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करें। जी, कोर्स जो 400 रुपए का ऐसा बेचते हैं, मैं देखता हूँ वो चीजें फ्री में भी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी लोग फंस जाते हैं। लोग देखो, आप अपने एक्सपीरियंस को सेल करिए, अपने तौर और तरीके को वो आप बदलिए, वो बताइए, उसके आप पैसे ले सकते हैं। लेकिन अब आप फेक चीजें दिखाकर आप शॉर्ट वीडियो से लाखों कमा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं फर्जी के, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो बुरा लगता है हमको। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इनके चैनल जो कि फ्री में टिप देते हैं, फ्री में सारी चीजें सिखाते हैं, अपने अनुभव आज के तो ये हम भी हम आपको बता दें, हम भी अगर 1 लाख वही कोर्स के नाम तो 1000 का कोर्स बना के अपना एक्सपीरियंस सारे तरीके 1000 में बेच सकते हैं। बहुत लोग हमसे मदद मांगने आते हैं और हम भी कितने करोड़ कमा सकते हैं, 10 करोड़ अगर 1 लाख लोगों को बेचे तो 10 करोड़ रुपए होता, तो 7 करोड़ तो हमारा आसानी से कमा सकते हैं 6 महीने के अंदर, ये हम दावा देते हैं। लेकिन उनके करियर बदलने की बात है तो 1000 रुपए तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे करके कमाना चाहे तो कमा भी सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं, अच्छी चीज नहीं है ना, ज्यादा पैसा कमा के क्या चाहिए। जीवन तो थोड़े पैसे में भी चल सकता है, जितने में चल जाएगा उतने में खुशी रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि 50 लाख की कार से चले, अरे 10 लाख की कार से चल लेंगे बहुत है, कार तो है ना, कार तो है, दिखाना नहीं ना दो लोगों को, समझ रहे ना, सही है, दिखाना होता, दिखाने के लिए थोड़ी ना किया जाता है सब कुछ। आज हम सिंपल तरीके से रहते हैं, समझ रहे ना, दिखाने के लिए नहीं करते, पैसा हमारे पास है, हम जो चाहे सब जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, है ना, हमें दिखाने का शौक नहीं, जैसे सिंपल से है, पैसे कमाए हैं, पैसे क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, ये हमारा उद्देश्य है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, समझ रहे हैं आप, बस लोगों की मदद करते हैं और एटलीस्ट कुछ लोग याद तो रखें कि नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 में से 2 लोग तो याद रखेंगे, यहाँ यूट्यूब वाले बाबा थे जो एटलीस्ट सबकी सुनते थे, प्रॉब्लम तो सुनते थे, सोल्यूशन देते थे, समझ रहे ना, पैसे नहीं लेते थे उसका, बस यही चलना है। को ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं कैसे लगा वीडियो, ठीक है राजू जी? जी, सब्सक्राइब करें चैनल को।